कि आपको भी इरेक्शन में प्रॉब्लम है, तनाव कम रहता है, ऐसे चार विटामिन्स की मैं यहाँ बात करने वाली हूँ। अगर वो आपकी डाइट में नहीं है तो आज नहीं तो कल इरेक्शन की प्रॉब्लम होने वाली है। और अगर आपको अभी भी तनाव में दिक्कत है और आप सिर्फ नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स ले रहे हैं, ये गोली वो ले ली, लेकिन इन विटामिन्स में कमी छोड़ रहे हैं ना, तो फिर वो डेफिनेटली कभी ठीक नहीं होने वाला। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक देने की कोशिश है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आके कहते हैं ना, मैम मैं दवाई ले रहा हूँ, असर नहीं कर रहा। अरे कैसे नहीं कर रहा, क्योंकि आप अपने बॉडी में वो सब न्यूट्रिएंट्स डाल ही नहीं रहे जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी सेक्सुअल लाइफ को बेटर करने के लिए। अब ये कौन से विटामिन्स हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, चलिए बात करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं विटामिन की बात करूं तो हमें समझना है कि हमारी बॉडी में किसी भी तरीके की इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, चाहे वो कहीं पे चोट लगी है उसकी मरम्मत है, हर चीज़ के लिए आपकी डाइट इतनी अच्छी होनी चाहिए, उसमें वो चीज़ें होनी चाहिए जो मरम्मत में हेल्प करे। इफ़ आई टॉक अबाउट योर हेयर्स, यू नीड टू टेक बायोटिन। इफ़ आई टॉक अबाउट योर नेल्स, तो आपको पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आपको अपना दिमाग तेज़ करना है तो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आपको अपना डाइजेशन तेज़ करना है तो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ दवाई खाने से होगा तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वट यू नीड टू एड, सबसे पहला वाइटामिन जिसे मैं सबसे ऊपर रखूंगी वो है आपका वाइटामिन डी। एक रिसर्च स्टडीज ने प्रूव किया है कि जिन जिन लोगों को इरेक्शन में प्रॉब्लम है उनका विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम होता है। इसलिए आप अपनी डाइट में विटामिन डी को ऐड करें, और उसके लिए जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं प्लस सनलाइट का सोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा घरों में रहने लग गए, इसलिए विटामिन डी का सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसलिए आप विटामिन डी को बिल्कुल भी इंक्लूड करना नहीं भूलेंगे। सेकेंड इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो उससे मैं कहती हूँ विटामिन B3, या जिसे हम नाइसिन भी कहते हैं। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ सेक्सुअल प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं उनके लिए विटामिन B3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन B3 के लिए आप अपनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं, अपनी डाइट में न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस को ऐड करिए, फ्रूट्स लीजिए, मिल्क प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए, तो विटामिन B3 की क्वांटिटी आपकी अच्छी हो जाएगी डेफिनेटली, और आपके धीरे धीरे आपकी बॉडी इरेक्शन की प्रॉब्लम से रिकवर करेगी। विटामिन B3 आपको मिलता है फिश से, नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स, बनाना, यहाँ से आप अपना विटामिन B3 को ले सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम इन सब की डाइट मॉनिटर करते करते मेरी इतनी भागदौड़ वाली लाइफ है, इन सबको मॉनिटर करते करते मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है, और मैं ऐसे खाने की थाली में लगा लगा के अगर बैठूँ, स्पेशली मैं ऑफिस वर्क करता हूँ, मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हाउ वुड आई मैनेज। तो अगर आपको ये सभी विटामिन चाहिए और आप खुद से टाइम नहीं निकाल सकते, थोड़ा सा फूड रेगुलेशन मुश्किल है, तो आज ही इंक्लूड करें Vita 365, क्योंकि इसके अंदर एक तो ये अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, प्लस इसके अंदर वो सारे विटामिन्स हैं, प्लस एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स भी हैं, चाहे हम एक्टिव ऑक्सीजन की बात करें, जिंसिंग की बात करें, अश्वगंधा की बात करें, फॉलिक एसिड की बात करें, वो सब कुछ है जो कि आपकी सेक्सुअल लाइफ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सो अलॉन्ग विद ऑल द मेडिकेशन यू आर टेकिंग, डोंट फॉरगेट टू टेक Vita 365, क्योंकि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन जाएगा तो मेडिसिन काम करेंगी। सो स्टार्ट टेकिंग इट राइट नाउ। सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर मैं बात करूंगी थर्ड नंबर पे विटामिन सी। विटामिन सी आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने का बहुत काम करता है, और इरेक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको ब्लड नहीं पहुंचता है। तो अगर आपको ब्लड का इशू है तो मे बी आपको ऐसा लग रहा है नीचे नसें बहुत अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं कर रही हैं, तो विटामिन सी को आज ही इंक्लूड करो। खट्टी चीज़ों में बहुत होता है, नींबू है, आपका आंवला है, इसके अलावा विटामिन सी के कैप्सूल्स भी आते हैं, उसको आप च्यू कर सकते हो, तो वो इंपॉर्टेंट है। आपका संतरा, किन्नू, इन सब में आपका विटामिन सी है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। साथ साथ विटामिन सी आपके स्पर्म काउंट को भी इंक्रीज करता है, तो फर्टिलिटी बूस्टर भी है। लास्ट है विटामिन ए। विटामिन ए का सीधा कनेक्शन नहीं है आपकी सेक्सुअल लाइफ से, ऑल्दो ये आंखों के लिए लिया जाता है या अच्छी स्किन के लिए लिया जाता है, लेकिन विटामिन ए आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कंट्रोल करता है, जिससे आपकी सेक्सुअल पावर और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अच्छे से ग्रो करता है। इसलिए अगर आप सिर्फ टेस्टो की गोलियां ले रहे हैं लेकिन अपने विटामिन लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, डी, B3, सी एंड ए, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। तो अगर आप भी आप इधर उधर भाग रहे हैं और आपको नहीं लग रहा पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा, सो यू शुड वॉच दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। ऐसे मोर टिप्स के लिए कनेक्टेड रहें डॉक्टर नेहा मेहता से। सी यू सून विद सम मोर टॉपिक। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे कनेक्ट करें, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल।